इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना देखने को मिला। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव से हमेशा पलायन करती है कांग्रेस। और गंजवा सौदा धर्मांतरण मामले पर बोले गृह मंत्री, मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया और कांग्रेस पर वार साधते हुए दिखाई दिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये संगठन इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनखा जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो, ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की है अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनखा जी न्यायालय में गए हैं उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से, विदेशी फंडिंग से। लेकिन जांच के दायरे में ऐसे सभी रहेंगी जगह। 4 लोग उसमें हिरासत में लिए गए हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।